हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू एलाइसब्लू। मैं हूं दीपेन गोगोई और आज हम बात करेंगे बैंक निफ्टी और देखेंगे कहां पे एंट्री हो सकता है। तो अब देख सकते हैं, कल मैंने ड्रॉ किया था एक ट्रायंगल शेप, सो आई थिंक यू रिमेम्बर। तो मैंने आपको ट्रेडिंग के लिए एक ट्रायंगल शेप दिया था जो आपको कहां पे एंट्री करने के लिए, तो कल बताया था अगर इसको ब्रेकआउट करे तो इसका ऊपर बाय जाए और टारगेट आपका जो मैंने एक रेजिस्टेंस लाइन ऊपर डाला था ऐसे 27,780 में, तो वहाँ के लिए टारगेट था। और अगर पुट को बाय करना है तो उसका नीचे में, और ट्रायंगल शेप जब ब्रेकआउट करेगा उसका नीचे आपको पुट को बाय करने के लिए बोला था और टारगेट आपको दिया था 27,280। तो एग्जैक्टली ये हुआ जो एक रेजिस्टेंस में आया, तो देख सकते सपोर्टिंग में आ गया। तो आज क्या हो सकता है, आप देख सकते हैं मार्केट अगर इसका नीचे गैप डाउन ओपन हो गया तो सेल के लिए जा सकता है, जैसे टारगेट हमारा रहेगा प्रीवियस लोअर पॉइंट, ये जैसे आपका रहेंगे 27,000 का आसपास, 27,000 का आसपास रहेगा टारगेट यहाँ पे। और यहाँ पे एक बात और भी हो सकता है, ये थोड़ा ब्रेकआउट करके मार्केट फिर से पुल अप हो गए, जो पहले सपोर्टिंग था अभी रेजिस्टेंस बन के यहाँ से फिर से मार्केट नीचे आने का चांसेस है। तो आपको जितना हो सके तो एंट्री सेल इसका नीचे में ही करना चाहिए, और अगर यहाँ पे फिर से पुल अप होके मार्केट नीचे आने का कंफर्म करे तो फिर से आप सेल जा सकते हैं। नहीं तो क्या होता है, ये जो मैंने एक रेंज दिया था आपको, मुझे लगा ये ड्रॉ कर दिया मैंने यहाँ पर, तो ये ब्रेकआउट कर के जो सपोर्ट बनाया फिर से वो रेजिस्टेंस के ऊपर भी जा सकता है, राइट। सो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।